हेलो फ्रेंड, नीलम के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बना रहे हम खीरे की रायता, वो भी अलग तरीके से, और 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगी, इतना ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि आप और के रायता भूल जाएंगे और खीरे के रायता बनाने का मन करेगा आपका। और खीरा गर्मियों में खाने चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है और ठंडक पहुँचाता है और आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ज़रूर बनाना खीरा का रायता, और खीरा खाने चाहिए, गर्मियों में पानी की पूर्ति करता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो चलो बनाते हैं खीरा का रायता। खीरा का रायता बनाने के लिए हमें चाहिए खीरा, तो हमने 2 खीरा लिए हैं, इसे हम छील लेंगे। ये देखिए, हमने छील लिया है दोनों खीरे को। अब इसे हम कद्दूकस करेंगे, तो इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों खीरे को कद्दूकस कर लिया है, दोनों खीरे को। दोनों के हमने कद्दूकस कर लिया दोनों खीरे का। अब इसका पानी निकाल लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं निकालना, हल्का हल्का हाथ से दबा के इसके पानी निकालना है। अब इस पानी को फेंकना नहीं है, ये पानी भी बहुत फायदेमंद है और बहुत ठंड करता है। तो इसमें काला नमक डाल के आप पी सकते हो, तो इसको फेंकेंगे नहीं। अब हम दही लेंगे, तो हमने ये 1 कटोरी दही लिया है और इसको हम डाल देंगे और अच्छे से हम फेंट लेंगे इसको। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। देखिए, हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है और बिल्कुल भी उसमें बिल्कुल अच्छे से फट गए हैं। अच्छे से फेंट लिया इसको। डालते हैं उसमें मसाला, तो मैं डाल रही हूँ उसमें काला नमक और ये सफेद नमक, जो घर में रहता है वो वाला नमक, और ये डाल रही हूँ भुंजा हुआ जीरा का पाउडर, और ये मैंने 2 हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा और लहसुन लिया। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, हल्का सा पीस लेंगे इसको। तो ये देखिए, मैंने अदरक और लहसुन और मिर्ची का अच्छे से दर दर सा टेस्ट बना लिया है। अब इसे भी हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब डाल लेंगे हम, ये हमने खीरे को कद्दूकस करके लिए, वो इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमारे खीरे का रायता अभी बना लिए हैं अभी, और बाकी इसमें और सामान डालेंगे इसमें। इसमें हमने लहसुन का और अदरक का टेस्ट डाल दिया है, और खीरे हमने कद्दूकस करके लिया वो भी डाल दिया है। अब इसमें हम और डालेंगे, इसके तड़का लगाएंगे हम। तड़का के लिए हमने थोड़ा सा तेल लिया है, अब इसे हम गैस पर रख देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब डालेंगे हम जीरा और राई डालेंगे। और हम डालेंगे, तो अब डालेंगे, हमारा तड़का ठंडा हो रहा है थोड़ा, तो हम डाल दें इसमें पुदीना। तो पुदीना आपके पास हरा पुदीना हो तो वो डाल सकते हैं, मैं सूखा पुदीना डालूँ, मेरे पास सूखा पुदीना है। तो
मैं डाल रही हूँ अभी इसमें हरा धनिया। अब डाल देंगे हम तड़का। तो ये हमने तड़का डाल दिया। आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। मैंने हरी मिर्ची डाली है तो मैं लाल मिर्ची भी डाल रही थोड़ी। तो आपके हिसाब से कर सकते हो, आप हरी मिर्ची से भी रहने दो या लाल मिर्ची भी डाल सकते हो, या हरी मिर्ची भी तीखी हो तो आप लाल मिर्ची नहीं डालें। और आपको गाढ़ा पसंद है तो आपको गाढ़ा रखना चाहिए तो गाढ़ा रखना, और आपको पतला पसंद है तो पतला रहने दीजिए। तो मैं थोड़ा पतला करूँगी, थोड़ा पानी डालूँगी। तो ये हमारा नहीं तो गाढ़ा है ना पतला, बिल्कुल परफेक्ट है हमारा रायता। और गर्मियों में खीरा का रायता बहुत ठंड करता है और पेट में भी बहुत ठंड करता है, सेहत के लिए बहुत अच्छे रहता है खीरा। आप ज़रूर बनाना खीरे का रायता। ये देखिए हमारा खीरा का रायता बनके तैयार है और बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं खीरे का रायता। आप ज़रूर बनाना, गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए खीरे का रायता। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।